तरियाने बाजार जो भी जाना जाता है तरियानी के नाम से, यहाँ से बेलसर, जो बेलसर है सीतामढ़ी का वो 12 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी शिवर डिस्ट्रिक्ट में ही है, जब जैसे थोड़ा आगे जाएंगे उसके बाद वहाँ से सीतामढ़ी का एंड और शिवर का स्टार्टिंग बोल सकते हैं। बिहार में ही होता भीड़ है, पानी चारों तरफ फैल चुका है, पीछे से तो साफ ही है, पानी तो भाई तक रहा है क्या। यहाँ पे किचन कुछ करके बोला जाता है वो चल रहा है, जो सरकारी व्यवस्था होता है, रोड के ऊपर से पानी जा रहा है, मतलब समझ सकते हैं पूरी मतलब पूरा ओवर होगा, इसी वजह से जा रहा है। ऊपर बना दो, प्लम्बर बना दो भैया, लोग सबके रहे हुए वाला आप से अपना एक अभूत। तो आज हम अपना है फिर से एक मोटर ब्लॉग करना स्टार्ट किए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं इस बस एक छोटा सा मतलब एक राइड करने के लिए सोचा था, तो निकले घर से। आप यहाँ का मौसम देख के समझ जाए, आप लोगों को क्या लगता है अभी के मौसम से कितना मतलब कितने बज रहा होगा? तुम्हें देखिए जैसा मौसम है, ये लवला हुआ अभी के बज रहे हमारे यहाँ का 3, जबकि अभी गर्मी पड़ता था, लेकिन अभी गर्मी नहीं पड़ रहा है, अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग बोल रहे हो गार्डन गार्डन, भाई ऐसा मौसम का तो मज़ा है, लेकिन भाई साहब आप लोगों के लिए मज़ा है, हम लोगों के लिए मज़ा नहीं है। क्या है ना कि अरे बारिश अगर 2 दिन तक हो जाते हैं ना, तो हमारे इधर का 3रा दिन बांध टूट जाएगा, क्योंकि हर एक दिन पर मतलब हर डेली कोई ना कोई बांध टूट ही रहा है। तो बताते हैं कि जैसे हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं ना, उस एरिया में आपको पता होगा उत्तरी बिहार में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया है, और हमारे इधर बागमती का ज़्यादा ही प्रकोप छाया हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको हम दिखाएंगे रास्ते में से किस प्रकार का बाढ़ का नज़ारा है, तो स्पेशल देखा जाए तो मैं उसी लिए बाढ़ को भी देखने जा रहा हूँ। ऐसे में बहुत लोकल न्यूज और न्यूज़ वगैरह में देखा, बस मेरे गाँव से लगभग 7-8 किलोमीटर तक अभी तक है, और जा रहे देखते हैं। ये अभी बाजार है, बाजार एरिया हम लोगों का यहाँ का देख सकते हैं। अभी LDRF की टीम बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, चल रहा है क्योंकि वो लोग बस जस्ट बगल में यहाँ पे बाढ़ का जो है उसके लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो ये बाजार है हम लोगों का, ये तरियानी बाजार जो भी जाना जाता है तरियानी के नाम से, ऐसे इसका अलग ही स्वाद है हम लोगों का तरियानी का। आप किसी से पूछ सकते हैं यहाँ तरियानी के बारे में, आपको पूरा क्लियर बता देगा तरियानी क्या है। अच्छा रिव्यू तो नहीं आएगा, लेकिन ठीक ठाक दे दिया जाएगा। तो हमको जाना है यहाँ से राइट, क्योंकि सीधा जो मैं जाऊँगा ये अपना सिवन चला जाएगा, तो मुझे सिवन जाना नहीं है, क्योंकि तो जो बाढ़ आया है इधर राइट साइड में आया है, उधर का ही सीन आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से हम राइट चल दिए, तो मैंने आपको बता दूँ कि बाढ़ का जो है मतलब बागमती नदी का पानी आया है, और कहाँ तक आया है, सुबह में मैं आया था तो नहीं था इधर, लेकिन लगभग मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर के आसपास में है। अब जाते हैं देखते हैं क्या बाढ़ आया है नहीं आया। ये कॉलेज है जो कि बाढ़ आया तो भाई मैं गया कॉलेज, ये हम लोगों का कॉलेज 11th 12th में किया था मैंने, अभी यहाँ तक तो बाढ़ आया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आ जाएगा। क्या है ना कि जो हमारे इधर से पानी आने का था वो वाले मतलब बांध का रिसाव हुआ था, तो कल उसका मरम्मत हो गया तो ठीक हो गया, लेकिन अगर बारिश हो रहा है तो वो रिसाव होने के कारण वो बांध पक्का टूट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से मतलब यहाँ पे जनसंख्या है ही नहीं, सब गाँव के अंदर अंदर है, और ये जिस रोड पे मैं अभी हूँ उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है, तो एक तरह से बांध के रूप में बोला जा सकता है, क्योंकि वो पहले उधर हमेशा बाढ़ आते रहता था, अभी भी जनरली 1-2 साल में आते रहता है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा सुविधा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इतना भी रोड डलाया नहीं है, आगे है रोड, बढ़िया रोड है, किधर का रोड काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर ख़राब में भी होने का कारण इसी तरह का मतलब जाने आने का गाड़ी वगैरह बहुत कम जाते हैं। तो यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से बेलसर, जो बेलसर है सीतामढ़ी का वो 12 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी शिवर डिस्ट्रिक्ट में ही है, जब जैसे थोड़ा आगे जाएंगे उसके बाद वहाँ से सीतामढ़ी का एंड और शिवर का स्टार्टिंग बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। और इधर जैसे वैसे आगे बढ़िएगा वो मतलब इधर के एरिया में, तैसे तैसे आपको फूल बहुत ज़्यादा मिलेगा, फूल की संख्या बहुत ज़्यादा ही मिलेगा,
क्योंकि यहाँ पे बाढ़ उससे काफी ये सब भी चीज बाढ़ ग्रसित एरिया में ही आता है। वैसे तो मेरा कभी गांव बाढ़ ग्रसित में ही आता है, लेकिन वो तो उधर मेरे इधर जाने के बाद पानी तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पानी रुक जाता है हमारे गांव के पास में, और यहाँ से पानी का ढुलाव इस तरह है। मेरा गांव उधर है साइड में, और पानी का रिसाव इस तरह कुछ प्रकार होता है। तो एक चीज अच्छा लगा ऐसे मुझे कि इधर पानी नहीं आया है, और इधर आता तो मेरे गाँव की तरफ भी आ जाता। तो वो पानी मीनापुर में चला गया, जो धार का पानी था वो मीनापुर में चला गया। आप लोग मुजफ्फरपुर मीनापुर जरूर सुने होइएगा, अगर मुजफ्फरपुर का अगर होइएगा तो उधर चला जाता है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार बाढ़ का पानी है, मुझे काफी बार पुल लगा था देखने के लिए। यहाँ पे पुल है, मतलब ज्यादा उधर पुल का संख्या है, तो इधर से पानी इधर आने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा मतलब बाढ़ का पानी आ गया है, इससे ज्यादा काफी खौफनाक मंजर तो भागलपुर में भी आया है। ये देखिए बाढ़ का पानी, और कल रात से इधर आने स्टार्ट हुआ है, तो लगभग पानी का बहाव काफी तेजी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पानी का बहाव थोड़ा तेजी आया है, आपको कैमरे में इतना खास दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैं पर्सनली पूछा जाए तो मैं इसीलिए आया उनसे बाढ़ का मतलब क्या स्थिति है देखने के लिए, चमार कार मतलब यहाँ पे बाढ़ का पानी आ गया है, तो दोनों साइड में है। अगर बोला जाए तो काफी तेज से आया, ये कल शाम से ही ये पानी आया है, और यहाँ पे काफी जगह मतलब क्षति पहुंचा हुआ है। फसल तो गया इस मतलब उधर का फसल तो होने का सवाल ही नहीं है। अब बिहार सरकार को क्या बोले, जब जानता है कि यहाँ पे बाढ़ हमेशा आते रहता है, तो मेंटेनेंस करके रखना चाहिए था। अब पता नहीं क्या है, नहीं इसी को तो इनके गाने पर लिखा है, नीतीश बिहार में फीका होता, सब बोलता है फीका होता, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा क्षति पहुंचा है। अभी तो नजारा है, आगे आपको देखने को बहुत ज्यादा मतलब भयंकर मिलने वाला है। देख सकते हो यार काफी ज्यादा मतलब पानी पानी हो गया है। बिहार में ही होता यहाँ पे काफी ज्यादा, इससे ज्यादा अंदर के गांव में होगा, क्योंकि जो निचले भाग का हिस्सा होगा ना, उस जगह काफी ज्यादा मतलब बाढ़ का पानी गया होगा, क्योंकि उधर का ही मतलब बांध टूटा है कल। यहाँ पे देख सकते हैं जो अंदर एक गांव था उसका तो और बुरा हाल होगा। रोड एम्बुलेंस ये भाई साहब यहाँ पे क्या, और यहाँ पे माल जाल का क्षति जो पहुंचा है, और देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे तो बहाव तेज ही है। और मेरे ख्याल से मैं आगे जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ निकालने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बाढ़ का है। क्या था ना कि कल जो हमारे इधर का लोकल एक न्यूज कवर करता है, वो यहाँ पे आया था, तो वहाँ पे उसने करके मतलब वो तो न्यूज कवर करने गया था, उसी में उसका क्या हुआ ना, उसको पकड़ के मारने का धमकी भी दिया। तो भाई तू कहाँ आया इतना लेट से, तो ये कोई बात थोड़ी ना होता है, कल शाम में 7 बजे टूटा ही, और सुबह सुबह अगला गया था, तो बोल रहा है यहाँ पर कोई नहीं देखने के लिए आया है ये वो, और उसके बाद उनको धमकाने धमकाने लगा है। यहाँ पे देखिए ये पंप लगा हुआ है, पता नहीं किस लिए लगा है, और यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है, पानी चारों तरफ फैल चुका है, पीछे से तो साफ ही है, पानी तो भाई तगड़ा है, मतलब तो काफी ज्यादा तेज है भाई, उधर देखने को मिला है। शायद मैं रुक के आपको दिखाता हूँ, रोड के ऊपर से पानी जा रहा है, इसी का मैंने वीडियो देखा था, और भी शायद कोई था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना काफी तेज है, रोड के ऊपर से पानी जा रहा है, मतलब समझ सकते हैं पुल मतलब पुल पूरा ओवर होगा, इसी वजह से जा रहा है। वो घर का स्थिति यहाँ का जा रहा है, कल रात में शायद इधर से भी गया है पानी, अभी पानी थोड़ा घटा हुआ है लग रहा है, ये सब टूट टाट गया, सभी चीज गायब है। इधर इधर देखो इधर भाई, इधर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, घर वगैरह जितना पानी पानी हो चुका है, बांध टूटने से। यहाँ पे आगे का वीडियो दिखा, कितना मतलब कितना जगह यहाँ पे गैदरिंग हो रखा है, ये सब पानी से टूट चुका है, खराब हो चुका है। भाई साहब काफी ज्यादा फूल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किचन कुछ करके बोला जाता है, वो चल रहा है जो सरकारी व्यवस्था होता है यहाँ पे, इधर के ये खाना वगैरह तो ये तो मिलना जरूरी है भाई किसी के भी लिए। इधर काफी क्षति, आप अचानक सो सकते हैं, 7 बजे तक सब सोया था, मतलब सोने के समय था लगभग लगभग,
तो इधर जल्दी सो जाता है, उस समय सोने का समय था, उसके बाद यहाँ का ऐसा नज़ारा मिला देखने को। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक नज़ारा इधर का है। यहाँ पे पुलिस वगैरह है, उस समय था नहीं, और इधर से पानी निकल चुका है जैसे लग रहा है। और पानी तक काफी ज्यादा निकल चुका है, यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह सभी को मिल रहा है। अरे आप बनल का ये गोबर बना दो, नंबर बना दो भैया, अरे लोग सब के रहे हुए वाला कौन है, आपात के मंदिर जगह बना दो भाई, मालिन के घर वही जगह, मालिन के घर ही अपना जगदम्बा मैया था। अच्छा ये पुरिया माई के घर दिया, पुरिया माई के जनते मत में खाली पानी पानी जगदम्बा मालिन के घर से जगदम्बा में है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा तो यहाँ पे जीव जंतु को हुआ है, आदमी को तो हुआ ही है लेकिन जीव जंतु को कुछ ज्यादा ही हुआ है। और क्या बताया जाए, सोच सकते हैं रात भर में इतना, मतलब शाम को कोई सोचा नहीं था से हाँ पानी वगैरह भी आएगा, अचानक बांध टूटा जिसके कारण यहाँ पे इतना ज्यादा क्षति पहुँच गया। रात भर इधर सोया नहीं है कोई, जिस तरह लग रहा है मतलब ऐसा मंजिल पाया है लोग। यहाँ पे बकरी वगैरह देख सकते हैं, अब आदमी क्या क्या लेकर बाहर निकला, यहाँ पे काफी जगह भीड़ है, एनडीआरएफ की टीम वगैरह ये सब है, और दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन ये ब्लॉग ही काफी लंबा हो जाएगा, यहाँ साइड से निकलना पड़ेगा हमको। इधर साइड से भाई हट जाए, यहाँ पे काम काफी तेजी से चल रहा है, बगल में शौचालय वगैरह सब बन रहा था, तत्काल सेवा। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का मंजर है, यहाँ पे काफी हमारे इधर का देखने आए, लगभग 7-8 किलोमीटर का रेंज में हम लोग आते हैं, तो वहाँ से आदमी काफी ज्यादा देखने आया इधर पूरी प्रशासन वगैरह सब। और यहाँ पे किचन कुछ करके बोला जाता है सरकारी काम में, तो वो यहाँ पे मिल रहा है, और मैकेनिक भी यहाँ पे है, तो वो सुविधा जहाँ तक हो जितना हो सरकार से उतना देने का कोशिश तो किया गया है। लेकिन बाहर करीब क्या क्या चीज़ लेके गया होगा, तो यहाँ पे अभी नहीं निकला पानी का, ये ओवरफ्लो देख सकते हैं, कल रात में इसी जगह का वीडियो बताया दिखाया रहा था, तो उस समय मैं देखा था काफी ज्यादा गोटियाँ बनने वाला था पानी यहाँ पे। यहाँ पे छोटा सा प्रयास किया गया है रोकने का ईंट जोड़कर, लेकिन ये सफल नहीं हो सकता है क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद देख लेता है, यहीं पे था, मैं आगे निकल चुका हूँ, और वो एक मार्केट है, मोटा मोटी ये बाजार है, तो ये बाजार का सीन है कुछ इस प्रकार, जो हमेशा लगता था आज कुछ ज़्यादा ही उदास लग रहा है। यहाँ पे एक मतलब लोकल नेता वगैरह आए रखे, लेकिन कोई काम का तो है नहीं, बस ये लोग तो बाद में ही पहुँचते हैं। अभी धीरे धीरे बोलने का कारण है मतलब आराम आराम से, क्योंकि मेरा नॉइज कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या है, माइक खराब वगैरह हुआ है क्या है नहीं, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कहने को तो कुछ शब्द है नहीं, लेकिन ये मेरा ब्लॉग जो है थोड़ा लंबा हो गया होगा 10 मिनट के आसपास का, लेकिन मैं जो हुआ मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ, तो ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।